दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस व्लॉग के एक और खास वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। आप सब जानते हो कि दो चार दिन से कुछ ऐसा शेड्यूल बना हुआ है कि मैं लगातार आप लोगों को सेवा नहीं दे पा रहा हूं, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो आपको वीडियो में पता चलने वाला है। ये वीडियो वैसे मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि न्यू सीजन चलने वाला है, 2023 चल चुका है, तो स्टार्टअप बिजनेस करना है तो माल कहाँ से ले। आज की वीडियो का पूरा टॉपिक मैं इसी पे करूँगा। वैसे तो एक वीडियो में ये टॉपिक कम्प्लीट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको थोड़ा हिंट बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। यदि आप लोग कुछ जानते हो तो आप स्किप करके आगे निकल सकते हैं। लेडीज़ गारमेंट्स, मेंस गारमेंट्स और किड्स वियर, तीनों डिपार्टमेंट मैं इसमें लेकर के चलूँगा। मोटी मोटी बातें बताऊँगा कि माल यदि खरीदना है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे करोगे। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो कोशिश करूँगा कि छोटे से छोटे समय में आपको वीडियो में समझ में आ जाए बिजनेस स्टार्टअप के लिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको बिजनेस स्टार्टअप की टिप्स देने से पहले बता देता हूं कि जो डिले हो रही है वीडियो, उसका एक बड़ा कारण ये हुआ कि अभी हाल ही में हमारे बाबा जी की डेथ हो गई। वैसे तो काफ़ी उम्रों के थे, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। ये आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट, ये हमारे बाबा जी का है और इस कारण से मैं शेड्यूल में नहीं आ पाया हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज भी आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे कि मैं इस समय गाँव में हूँ और खेतों में जाकर के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस समय से मैं नहीं आ पा रहा था। मगर वीडियो आप लोगों के लिए देनी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के कमेंट्स बार बार आ रहे थे। तो मगर आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जनवरी जा चुकी है लगभग और उसके बाद फरवरी से न्यू बिजनेस स्टार्ट आप अपना तैयारी करनी शुरू कर देते हो। लेकिन कन्फ्यूजन और सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर आती है, आती है कि आप ने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि जब आप तैयारी कर लेते हो, कैलकुलेशन कर लेते हो, 50,000 रुपये आपके हाथ में होता है, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इतनी सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोज है, आखिर हम कहाँ जाए, कहाँ से हम माल परचेज करें जहाँ सस्ता मिल जाए, जहाँ से अच्छा मिल जाए, अच्छी क्वालिटी हो और आपकी मेहनत का पैसा बर्बाद ना हो, उसी के ऊपर मैं पूरी वीडियो बताने वाला हूँ। दोस्तों लेडीज़ गारमेंट्स हो, मेन गारमेंट्स हो या किड्स वियर हो, सभी का डिपार्टमेंट और सभी की होलसेल मार्केट अलग अलग है। मैं स्टार्टिंग किड्स वियर से करता हूं। तो देखिए, यदि आपका बजट 50,000 रुपये का है तो मैं इसमें आपको ये नहीं कह सकता कि आप आधे का माल लो, क्योंकि 50,000 वैसे ही बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी गारमेंट्स के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आपका मैं 50,000 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि किड्स गारमेंट्स का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जाना चाहिए डायरेक्ट लुधियाना की होलसेल मार्केट में। लुधियाना की होलसेल मार्केट में बच्चों का टोटली कलेक्शन मिलता है। अब किसी एक पर्टिकुलर शॉप का नाम बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सब जानते हो कि जिस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और मैं भी किसी के नाम को लेकर के उसको प्रमोट नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपको मार्केट का भी पता चल जाए तो दो चार शॉप पर आप जैसे जाओगे तो सबसे सस्ता कपड़ा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ख़ास तौर पर आपको चोर साइज लुधियाना में नहीं मिल पाएगा, अच्छी क्वालिटी बनती है और ऑल इंडिया में सप्लायर वहाँ से होता है। और यदि आप दिल्ली के आसपास हो तो आप गांधीनगर जा सकते हो। गांधीनगर में पूरी सीलमपुर गांधीनगर होलसेल मार्केट है बच्चों के कपड़ों की, नाम है एशिया में नाम है, और अच्छी अच्छी क्वालिटी बहुत सस्ते दामों में आपको मिल जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक टिप्स आप मेरी मानिएगा कि किड्स वियर में कभी भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब भी परचेज करो तो ऐसा करो जिससे कि आप वो कपड़ा अपने बच्चों को पहना सको, ये सोच करके यदि परचेज करोगे तो जो आपका कस्टमर है वो कभी भी उस माल को, उस कपड़े को रिजेक्ट नहीं करेगा। यदि आप सस्ते के चक्कर में रहोगे, लालच में आ जाओगे, तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा और वो माल आपका नहीं बिक पाएगा। बजट का थोड़ा सा हिसाब लेकर के चलिएगा, 50,000 से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि 40,000 में आप पहली बार ले आए, फिर दूसरी बार परचेजिंग तब कीजिएगा जब आप शॉप स्टार्ट कर दो और कस्टमर की डिमांड हो।
अच्छी क्वालिटी खरीदने की कोशिश कीजिएगा, अच्छी क्वालिटी आज नहीं तो कल बिक ही जाती है। डिजाइनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एक कलर चार्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। यदि आपने 20 से 30 नंबर की कोई जींस ली तो आपको 20 से 30 नंबर में 3-4 डिजाइन रखने चाहिए, ना कि एक डिजाइन में कलर आपके हो गए, डिजाइन एक ही है, तो इस तरह से वैरायटी नहीं बन पाती। जितनी ज़्यादा वैरायटी आप रखोगे, यानी कि जितने ज़्यादा डिजाइन रखोगे, कलर तो लगभग सिमिलर सभी के होते हैं, 5-6-7 कलर सभी में आते हैं, उन कलर को आप अपने हिसाब से देखिएगा कि कौन कौन से कलर आपके एरिए में ज़्यादा चल सकते हैं, या आपकी दुकान, आपका शोरूम कहाँ पर है। घर से आप डील कर रहे हो, बाजार से आप डील कर रहे हो, या किसी कॉर्नर पर मार्केट से आउट हो, कहाँ पे हो, वो थोड़ा सा आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, तब आप आगे का सोचेगा। माल परचेज करने से पहले आप कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा कि ये माल हमें लाना है। एक पेपर पेन लीजिएगा, उस पर सारी डिटेल लिखिएगा कि हमें 20 से 30 नंबर की 25 जीन्स लानी है, बच्चों की टी शर्ट इतनी लानी है, बच्चों के सेट इतने लाने हैं। सेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मोटी सी बात है कि आप 28 नंबर तक ही सेट लाइएगा बच्चों के, 20 नंबर से 28, उसके बाद अलग अलग, जैसे टी शर्ट अलग हो गई, जींस अलग हो गई, इसी तरीके से डिमांड बढ़ती है। जितने छोटे बच्चे होते हैं, 7-8 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको सेट ज़्यादा उनके पेरेंट्स खरीदते हैं उनके लिए, लेकिन जब बच्चा 8-10 साल का हो जाता है या उससे ऊपर हो जाता है, जब अलग जींस चाहिए होती है, अलग शर्ट, अलग टी शर्ट, इस तरह की मार्केट में डिमांड होती है, तो उस तरह से आप देख लीजिएगा। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ मेंस गारमेंट्स की। यदि आप मेंस गारमेंट्स खरीदना चाहते हो तो देखिए, गांधीनगर एक ऑप्शन हो सकता है, मगर दिल्ली की मैं बात करूँ तो मेन है टैंक रोड, करोल बाग टैंक रोड, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। टैंक रोड पर जाइएगा, मेंस जीन्स, मेंस टी शर्ट और मेंस के गारमेंट्स में, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करूँ तो पूरे विश्व में यहाँ से माल जाता है। बस आपको खरीदारी करने का पता होना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि आप जिस मार्केट में बैठे हैं वहाँ पर आपके कपड़े की वैल्यू कितनी है। यदि आप सस्ती मार्केट में बैठे हो तो आप एक नॉर्मल सा प्राइस वाली जीन्स लेकर के खरीदिएगा, नॉर्मल से टी शर्ट या शर्ट लेकर के खरीदिएगा। मार्केट की कैटेगरी प्रत्येक शहर में अलग अलग होती है। सपोज कीजिए कि जैसे ही आप दिल्ली में बैठे हो, यदि दिल्ली के आप टैंक रोड में आपकी अपनी शॉप है, तो वहाँ पर आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी ले लीजिए, वहाँ पर बिकना ही बिकना है। यदि आप किसी एक मोहल्ले की दुकान लेकर के बैठे हो, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हैवी क्वालिटी बिक जाएगी, वहाँ पर आपको मीडियम लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक एरिया डिपेंड करता है, एक एरिया आपके माल को खरीदने में बहुत सहायक होता है कि यहाँ पर इस रेट तक का माल मिल जाएगा। भले ही आप कितनी भी अच्छी शॉप कर लीजिए, यदि मार्केट से अलग आपकी शॉप है तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। कोशिश कीजिएगा कि शॉप ऐसी जगह आप चूज करें, जैसे कि मार्केट के अंदर है वहाँ पर चूज करें, या फिर कहीं आप ऐसी जगह दुकान को लीजिए जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, जहाँ पर लोगों की गैदरिंग ज़्यादा हो, तब आप लोगों को बेनिफिट होगा। और दोस्तों, खरीदारी करने का एक सबसे बड़ा फंडा है कि आप इकट्ठा माल कभी मत लीजिए, अपने बजट के अनुसार 10-20 हज़ार रुपये छोड़ करके माल लीजिए। एक परचेजिंग में कभी भी अपने माल को पूरा मत कीजिएगा। यदि आपका 50 हज़ार का बजट है तो 30-40 हज़ार का माल लाओ, उसके बाद 10-15 दिन जो भी आपकी दुकान के ऊपर माल बिक रहा है, 5 हज़ार का, 7 हज़ार का, बाकी के आपके पास 10 हज़ार बचे हुए हैं, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कस्टमर ने क्या डिमांड की, किस तरह का आइटम बिकने वाला है, तो उस तरह से आपकी दुकान में कस्टमर भी आएगा। कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, रेट अच्छा रखिए, कंपटीशन का टाइम है, स्टार्टिंग प्राइस है, तो 15-20% का मार्जिन आप ले सकते हो, इससे ज़्यादा मार्जिन शुरू में उचित नहीं होता। अब मैं लेडीज़ गारमेंट की बात करता हूँ, तो लेडीज़ गारमेंट में तो दोस्तों माल कहाँ से ले। अब लेडीज़ गारमेंट में सब कैटेगरी बहुत जाता है, जैसे कि लेडीज़ सूट, कुर्ती, लहंगा, ब्राइडल आइटम्स, साड़ियाँ और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसके आप पर्टिकुलर एक शॉप भी करोगे तो 10 लाख रुपए भी लगाओगे तो तब भी पूर्ति नहीं कर पाओगे। उसके लिए सूरत की होलसेल मार्केट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम कह सकते हैं, सूरत एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, अहमदाबाद एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, दिल्ली का चांदनी चौक बहुत ही अच्छा है और वहाँ पर हर तरह का आपको माल मिल जाएगा जो आपके सूरत में और अहमदाबाद में मिलेगा। लेकिन इन सब में मैं एक बात कॉमन करता हूँ, चाहे आप मेंस का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप लेडीज़ का बिजनेस कर रहे हो, या किड्स वियर का बिजनेस कर रहे हो,
एक बात ध्यान रखिएगा, एक तो यदि आपका बजट 50,000 का है तो दो बार कम से कम परचेजिंग कीजिएगा। एक बात आप याद रखिएगा कि जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस को कहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आप किसी मार्केट के अंदर है, क्या आप किसी कॉलोनी के अंदर है, या आप घर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। स्टार्टिंग मार्जिन, चाहे आप मार्केट के अंदर बैठे हो, घर के अंदर बैठे हुए हो, या आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर लोगों की गैदरिंग ज़्यादा है, तो 15-20% का स्टार्टिंग मार्जिन आप रखिएगा। व्यवहारिकता हर बिजनेस में हर स्थान पर चलती है, चाहे घर हो, मार्केट हो, कहीं भी हो, इतने व्यवहारिकता और मिठास आपके मुंह में नहीं है इतने आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। और उसके साथ साथ में एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, जितना भी आप माल ले उसको खिचड़ी ना बनाए। यदि आपका बजट कम है तो केवल एक कैटेगरी में आप बिजनेस करें, या तो मेंस, या किड्स, या लेडीज। लेडीज की कैटेगरी में तब आप बिजनेस करें जब आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए हो। आप यदि एक कैटेगरी यानी कि सूट और कुर्ती का भी बिजनेस करते हैं तो कम से कम 5-10 लाख रुपए उसमें लगाने पड़ते हैं, क्योंकि रिपीटेशन इतनी ज़्यादा होती है लेडीज में। हर सप्ताह तो डिजाइन बदलता है और हर सप्ताह लेडीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जो एक बार लेडीज ने माल देख लिया और अगली बार आपने फिर से वही माल दिखा दिया तो वो माल आपका बिकेगा नहीं, और बात भी निकल जाएगी कि इनके पास तो पुराना ही माल रहता है, ये लाते ही नहीं नया डिजाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीनों कैटेगरी मैंने बताई है ये आपको समझ में आई होगी। और इसमें एक मेन बात आपको बता देता हूँ, कुछ लोग होते हैं एक्सपीरियंस और कुछ लोग होते हैं अनएक्सपीरियंस। यदि आपको कोई भी तजुर्बा नहीं है दुकान करने का, परचेजिंग करने का, तो आप अपने लोकल होलसेल मार्केट में जाइए। ना सूरत जाने की ज़रूरत, ना अहमदाबाद, ना दिल्ली, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यदि आप मुजफ्फरनगर में है तो मुजफ्फरनगर की होलसेल मार्केट में जाइए, मेरठ है मेरठ की होलसेल मार्केट में जाइए, दिल्ली है दिल्ली की होलसेल मार्केट में जाइए और अपने लोकल होलसेलर से खरीदिए। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि जो आपके होलसेलर हैं उनको आपके एरिया का टेस्ट पता होता है, उन्हें पता होता है कि ये डिजाइनिंग इस तरह का टेस्ट हमारे लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, तो वे उसी तरह का माल लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन, आपकी दिक्कतें ख़त्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है परचेजिंग करना, खरीदारी करना, उसके बाद अपने माल को सेट करना, 15-20% का मार्जिन, व्यवहारिकता, और साथ में आपकी जो लोकेशन है शॉप की वो व्यवहारिकता रखती है, जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंस होती है। इस वजह से आप ध्यान रखिएगा। देखिए, वीडियो बनाने को तो मैं घंटों तक बोल सकता हूँ एक ही टॉपिक के ऊपर, मगर मैं चाहता हूँ कि छोटे टाइम में, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों, यदि आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें, मैं अगली वीडियो आपके कमेंट्स के आधार पर बना करके लाऊंगा। और रिव्यूज़ मैं करता रहता हूँ, जैसे सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता वगैरह जाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ही मैंने आज भी इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला है, जबकि हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हुई है। वैसे तो 100 साल की उम्र के आसपास थे, फूल माला से हमने उनको अच्छी तरीके से विदा किया है। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, कि आप लोगों का प्रेयर चाहिए कि हमारे बाबा जी के लिए, कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार खुशहाल रहे, सब मिलकर के रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।